के व्लॉग में आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो हमारे साथ वैष्णो देवी की यात्रा में बने रहिए। सो मॉर्निंग 6:10 पे हमने हमारे दिल्ली से यात्रा स्टार्ट करी, हमारा सफर स्टार्ट किया। मॉर्निंग में एंजॉय करते करते हम लोगों ने मूथल हवाई अड्डा क्रॉस किया एंड देन हम पहुंचे ब्रेकफास्ट के लिए एक न्यू लोकेशन पे। हेलो पार्टी, हेलो, अरे तुम बैठ के अंदर आ जाते हो। नहीं यार ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे भी ये हम कहाँ हैं हंस का? चल हवेली। हम यहाँ क्या करने आए हैं? भोजन करने। भोजन करने? आप क्या खाने की सोच रहे हो हंस का जी? इडली डोसा। सुबह सुबह इडली डोसा? दादी जी कूटेंगे आपको। हम लोगों को इडली डोसा की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम अंदर शूट करना ही भूल गए और यहाँ हमने हमारा सफ़र कंटिन्यू किया। सो यहाँ हमें वैष्णो देवी के सफ़र में फर्स्ट टनल मिली जहाँ हमने बहुत शोर शराबा किया। वैष्णो देवी के रोड ट्रिप में टोटल 4 टनल्स आती हैं। जो 3 टनल्स हैं वो नॉर्मल टनल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, बट जो 1 टनल आपको मिलती है वो काफ़ी लंबी होती है। आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि यार अंधेरा हो गया पूरा, और मतलब काफ़ी लंबी टनल है, बट ये है कि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप खूब इंजॉय करने वाले हो उस टनल को भी, जो कि आपने देखा कि हमने किया, बहुत इंजॉय किया हमने इन टनल्स वाले पार्ट को, बच्चों के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। सो यहाँ हम सारी टनल्स क्रॉस करके फाइनली पहुंचे वैष्णो देवी। जोर से बोलो जय माता, जय माता। हेलो गाइस, वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं और अब हम डिनर करने आए हैं। ये सबके थके हुए चेहरे, ये देखिए ये फेक हंसते हुए। Hi guys, आना खाना खाके जाना जल्दी से अपने चाय टोस्ट फिनिश किया और हमने हमारी यात्रा कंटिन्यू की। सो चलिए मिलते हैं आपसे यात्रा पॉइंट पे, तब तक आप कटरा की मार्केट एंजॉय कीजिए, व्यूज एंजॉय कीजिए। जय माता दी। चलो हमारे साथ यात्रा में बने रहो, अच्छे अच्छे दर्शन करने के लिए बने रहो। जोर से बोलो जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। हमने हमारी यात्रा 7:40 पे स्टार्ट की है, तो अभी हम मेन गेट की ओर जा रहे हैं। अब चढ़ाई
मेरी नू आगे आ गए। चलो आ जाओ जी, आ जाओ, चलो 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 व्लॉगर का है। बैग चेंज हो गया था ना, फोटो सब खींच लेने। ये अब हम चढ़ाई स्टार्ट कर दिया हमने, तो आप यात्रा में बने रहिए। हाँ जी ठीक है, हम बने हुए हैं बोल सकते हैं दरबार की जय। चल स्मार्टी साथ में चल, साथ में चल, फिंगर पकड़ ले, फिंगर पकड़ ले। हाँ मेरे भाई दिखा ला ने सो फाइनली हम हमारे फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो है बाणगंगा। तो अब हमें बाणगंगा मैया के दर्शन कीजिए। तो चलिए अपना आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं और जल्दी जल्दी लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जो है चरण पादुका। आए गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका। व्यू जल्दी जल्दी सारा दर्शन कर लो। जय माता दी। अब चलो हम करेंगे चढ़ाई। अभी हमने चरण पादुका पार कर चुके हैं गाइस, तो चलो चलते हैं यात्रा में बने रहिए। अधिकारी की और चलते हैं। और आज लिखी थी भवन पे बारिश, तो देखते हैं शाम को बारिश होगी या नहीं। शाम को बारिश हो सकती है, कोई ख्याल नहीं है। जोर से बोलो जय माता दी। हाय, तो ये देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है राइस। देखो भीड़ कैसे है, ये लग रही है भीड़। क्या कर रहे हो ये आप, ये ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो? ये ऐसे पुशअप्स हो रहे हैं आपके? एक बार पुष्पा वाला वो सुना दे डायलॉग। यहाँ आपको अधिकारी में डिस्पेंसरी की भी अच्छी सर्विस मिल जाती है, तो यहाँ पूरी फैसिलिटीज है। अगर आप आते हैं फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। क्या मिलेगा खाने के लिए? बहुत कुछ, आलू के बहुत कुछ, जैसे आलू के परांठे और अच्छा अच्छा जी। तो आप क्या खाने वाले हो? कढ़ी चावल, राजमा चावल, डोसा, मैगी, क्या खाओगे आप? क्या खाओगे आप? मैगी। आप क्या खाओगे? राजमा चावल या मैगी, उनमें से कुछ। ओके अभी देखेंगे होटल में मेन्यू पढ़ के। अच्छा मेन्यू पढ़ के देखोगे? ओके डिपेंड्स ऑन मेन्यू। ओके यहाँ पे सागर रत्न भी आप यहाँ से भी खा सकते हैं। यहाँ
अर्धकुंवारी भी काफ़ी रश है, यहाँ नंबर्स लगे हुए हैं दर्शन के लिए। तो आप अगर चाहें तो आप पहले भी गुफा के दर्शन कर सकते हैं, अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में आके भी कर सकते हैं, जैसा नंबर हो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट सेंटर है, इंक्वायरी सेंटर है, आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। ब्लैंकेट स्टोर है, ब्लैंकेट्स ले सकते हैं रेंट पे। और ये अभी हम नए रास्ते से जा रहे हैं, भवन का नया रास्ता है ये, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये रास्ता ले सकते हैं, ये थोड़ा कन्वीनियंट रास्ता रहता है। सो ये रास्ता है कि बिल्कुल अर्धकुंवारी से मंदिर से ये बिल्कुल ये सामने ही है, देखिए भवन का रास्ता, वे टू भवन। और यहाँ आपको ये खच्चर और ये सब पालकी वगैरह वहाँ से कन्वीनियंस मिल जाएगी, बिकॉज उस रास्ते पे खच्चर वगैरह नहीं आते हैं, वो दूसरे रास्ते से ही आते हैं, जो पुराना रास्ता है, पहले का वाला रास्ता है। तो ये नया रास्ता है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो आप इजीली बच्चों के साथ यहाँ पे यात्रा अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम भवन की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ सब ये सब वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए। भवन बचा 5 किलोमीटर, कटरा बचा 6 किलोमीटर, पर हमें अभी कटरा नहीं जाना है, तो अभी हमें जाना है भवन। भवन के लिए आपको 5 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा, और अगर आपको यहाँ से कटरा जाना है तो 6 किलोमीटर आपको मिल सकता है। हाँ जी, तो हमारे साथ भवन के लिए बने रहिए। ये जय माता दी। 7 बजे तक हमें भवन पहुँचना है गाइस। यस, 7 बजे तक भवन पहुँचना है, क्योंकि पिछली बार हमें रूम मिला था। हाँ, तो हमारा टारगेट है कि अभी हमें रूम चाहिए ताकि हम स्टे कर सके, रेस्ट कर सके। हम 7 बजे तक अगर पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी अपना चढ़ाई। पीछे भी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, देख सकते हो। हाँ जी, तो हमने कितने बजे, 8 बजे स्टार्ट की थी हमने चढ़ाई। और हाँ, आप डंडे ले लेना आसानी हो पाएगी। हाँ जी, आप आसानी से चढ़ाई उतराई कर लोगे। हाँ जी, चलो चलिए। हाँ जी, वैष्णो देवी में आपको पिट्ठू और पालकी की सर्विस भी मिलती है, तो यहाँ वो रेट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके चले, ठीक है। भवन आ चुका है,
इसको जोड़ के खाओगे ऐसे खाओगे बंद कर सो यहाँ भैरव बाबा के मंदिर के लिए रोपवे की भी सर्विस है जिसका टिकट 100 रुपी है पर पर्सन। ऊपर भैरव बाबा इस ट्रॉली से हम ऊपर जाएंगे, ये तार दिख रही है ये है, वहाँ से ऊपर जाके भैरव बाबा। और ये हमारा भवन था वो और ऊपर देखो कितने काले बादल हो रहे हैं, काले बादल बहुत सारे और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और ठंड लग रही है देखो, ठंड तो बहुत है बहुत लग रही है। ओहो चलो अंदर चलते हैं, चलो हाँ कहाँ जा रहे हैं रोप पे? अच्छा आपकी यात्रा बढ़िया बढ़िया एकदम चकास।